सेबी के निदेशक मंडल ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों और अवसंरचना निवेश ट्रस्टों की स्थापना और बाजार में उनकी सूचीबद्धता के नियमों को मंजूरी दी। इन ट्रस्टों के जरिए आवास विकास और आर्थिक अवसंरचना के क्षेत्र में निवेशकों से भारी पूंजी जुटाई जा सकती है। दक्षिण चीन सागर में अधिकार क्षेत्र की दावेदारी को लेकर तनावों के बीच म्यांमार में हो रहे आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने कहा कि वह इस इलाके में नौवहन की स्वतंत्रता और संसाधनों तक पहुंच का समर्थन करता है। 21 अगस्त को बिहार में होने वाले उपचुनावों के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया मंच साझा। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को बदनाम करने वाले भ्रामक अभियान पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कोलोजियम की सिफारिश को उसकी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका की खारिज। ओडिशा में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 के पार हुई। बाढ़ से करीब 40 लाख लोग बुरी तरह से हुए प्रभावित। ताज़ा जानकारी के अनुसार बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। भाजपा के पूर्व नेता जसवंत सिंह की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। सिर में चोट लगने के बाद से जसवंत सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक जसवंत सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर बाजार में आज तेजी देखी गई। सेंसेक्स 221 अंक बढ़कर 25,550 पर खुला। निफ्टी भी 65 अंक के सुधार के साथ 7,634 पर खुला। आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 61.02 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे सुधर कर 61.15 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इराक में आतंकवादी संगठन इस्लामी स्टेट के आतंकवादियों ने यजीदी समुदाय के लगभग 500 लोगों की हत्या की। इराक के मानवाधिकार मंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने बताया कि देश के उत्तरी हिस्से में कई लोगों को जिंदा ही कब्र में दफना दिया गया और उनके पास इसके सबूत भी हैं। इराक के प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने कहा कि वह देश के नए राष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के स्पष्ट उल्लंघन के मामले में कानूनी शिकायत दर्ज करेंगे। अल मलिकी ने यह घोषणा ऐसे समय में की जब सरकार राजनीतिक संकट से जूझ रही है। तुर्की में प्रधानमंत्री तैयब एर्दोगन को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। तुर्की में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया गया। महज 19 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान देने वाले खुदीराम बोस की आज पुण्यतिथि है। महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस को आज ही के दिन साल 1908 में अंग्रेजों ने फांसी दी थी।